सबसे पहले अपना स्टैचुटरी काम, ठीक है, अपना स्टैचुटरी काम क्या है, रोज का रिवीजन, ठीक है ना। तो दिस इज एवरीडे रिवीजन, पार्ट ऑफ एवरीडे रिवीजन, जितना करते चले जाएंगे हम करते ही चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा दो दो घंटे रिवीजन चलेगा और 15-15 मिनट क्लास हुआ करेगी, विच इज गुड, ठीक है ना। आज मैं बहुत सारी चीजें आपको प्रूव कर दूंगा, मतलब जैसे आप लोग बहुत कुछ कवरेज हुआ है हम लोगों का अभी साथ में, तो हम वो भी टेस्ट कर लेंगे कि कितना अपने को आ रहा है कितना नहीं आ रहा। मैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल के कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है ना, जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें से। तो होपफुली विल सी कि शायद आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है। चलो, एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, बट कहां पे नहीं होता, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर, गुड, ठीक है ना। जोर जोर से आंसर देना, ठीक है। एक्ट, एक्ट के तीन नाम क्या क्या थे, इनएक्टमेंट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, गुड। एक्ट कैसे बनता है, पहले बिल होता है, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट की एसेंट, उसके बाद एक्ट बनता है। प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, 25th of April 1872, गुड, ठीक है। अच्छा, बिल बन गया, क्या एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद क्या, एक्ट बनने के बाद क्या पब्लिक को ऐसे ही पता चल गया, कहां पे आया होगा, ऑफिशियल गजेट में आया होगा, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट से पब्लिक को पता लगाने का रास्ता क्या है, इट हैज टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट, ऑफिशियल गजेट में, ठीक है। आने के बाद कब क्या बन जाएगा, प्रॉपर एक्ट घोषित हो जाएगा, एप्लीकेबल टू ऑल, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। असेंट मिलते ही एक्ट तो बन जाता है, लेकिन एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल ऑन द डेट व्हेन इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट में आने की डेट 1 सितंबर 1872, ठीक है, बहुत अच्छी बात। कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है ना, इंग्लिश कॉमन लॉ, गुड, ठीक है। प्लेंटिफ डिफेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, केस करने वाला कौन, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट कौन, जिसके ऊपर केस हुआ है, गुड, ओके ओके ओके। हम लोगों ने बहुत सारे सोशल अग्रीमेंट के केस, नॉर्मल केसेस उठा उठा के बहुत कुछ पढ़ लिया, राइट, ठीक है। एक कंक्लूजन निकला था, अग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग अभी क्या चल रहा है अपनी क्लास में, एसेंशियल एलिमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। आज एसेंशियल एलिमेंट्स में लास्ट टॉपिक तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक आज खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं जो कॉम्प्रिहेंसिवली आपको करा रहा हूं वो आपके 4-5 चैप्टर एक साथ ही बाद में सल्टा देगा, ठीक है ना। तो एसेंशियल एलिमेंट्स अभी आपके चल रहे हैं, चलते रहेंगे थोड़े टाइम तक और, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपरी पढ़े, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बुक से कुछ एक्सट्रैक्ट उठाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो, अपने को सब सीख लिया अपन लोगों ने। यस, देयर इज अनदर सेंटेंस, यू बी जस्ट ई बी रेबिडियम। देखो एग्जाम में कैसा होता है, क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम, और ना चार आंसर लेके रखे होंगे अजीब अजीब से, बाकी तीन अजीब से होने अगर करेक्ट पता है तो, वरना क्या चारों एक जैसे लगेंगे, ठीक है ना। सिंपल एस्पेक्ट है, क्लियर। जैसे या तो तुमको सब सही लगेगा या तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा सही है, बाकी तीन गलत है, ठीक है, नहीं तो सब सही लगता है, क्लियर। तो सब सही लगने वाली तो सिचुएशन नहीं रहेगी ना, ठीक है। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम, या फिर पता है कैसे आ सकता है, वो उल्टा पूछ सकता है, ठीक है ना। वेर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी इज एक्सप्लेन्ड बाय द लाइन, अब कुछ पता नहीं क्या लिख देगा, यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम की जगह यू बी जस्ट ई बी पता नहीं कुछ लिख देगा, कार्बोनियम, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकता है, फिर बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। तो उल्टा सीधा प्रिपेयर्ड, ठीक है, हम जितना इसको समझ के करेंगे उतना सेंसिबिलिटी अप्रोच से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना था, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, वी आर स्टिल ऑन व्हाट, एनफोर्सेबिलिटी पेंडिंग चल रहा है। इनविटेशन टू एन ऑफर हमेशा नहीं होता, प्लस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स व्हाट, एग्रीमेंट, ठीक है ना। लेकिन इनविटेशन टू एन ऑफर इज वेरी ऑप्शनल, अगर मैं जनरली बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो जाए तो एग्रीमेंट भी बन ही जाता है, क्लियर, एग्रीमेंट भी बन ही जाता है। अच्छा, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, गुड, ठीक है ना। प्रपोजल एक्सेप्टेंस सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, इनविटेशन टू एन ऑफर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तैयार रहने की जरूरत है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ये इनविटेशन है कि ऑफर है कि क्या है, आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं ये क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर है, यू जस्ट हैव टू टिक, हमने ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, ठीक है, ओके। व्हाट एल्स,
कंपनी प्रोस्पेक्टस सारे एग्जांपल दिया था, न्यूज़पेपर्स का, ऑक्शंस का, सारा दिया था, ठीक है ना। ओके, एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे का लेन देन का कुछ ट्रांजेक्शन बैठना चाहिए। ओके, हम चलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स पे। पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या था? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक केस लॉ डिस्कस किया था मैंने, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, मिस्टर मिसेस, मिसेस या मिस्टर, मिसेस वर्सेस मिस्टर, मिसेस वर्सेस मिस्टर, हु इज द प्लेंटिफ? मिसेस बैल्फर। केस किसने लगाया था? मिसेस बैल्फर। प्लेंटिफ कौन? मिसेस बैल्फर। डिफेंडेंट कौन? मिस्टर बैल्फर। ठीक है, क्या था केस? मिस्टर बैल्फर बाहर गए थे, हाँ, प्रॉमिस करके गए थे क्या, मेंटेनेंस मनी हर महीना पे करने के लिए, ठीक है, और फिर नहीं दिया, ठीक है ना, क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सब कुछ। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ To which is subject, ठीक है ना। कुछ agreements ऐसे भी होते हैं, मैं आपको थोड़ा discuss करता हूँ, ठीक है ना। कुछ agreements ऐसे भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं agreements opposed to public policy, सुनना बहुत ध्यान से, है ना। Agreements opposed to पब्लिक पॉलिसी, ठीक है ना। अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या लगता है आपको? मतलब जो पब्लिकली जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है वैसा कुछ काम करना। वी नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगैलिटी, इलीगैलिटी की बात तो बाद में करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक एग्रीमेंट करता हूं कि मुझे तुम 5 लाख रुपए दे देना, ठीक है, इनकम टैक्स के ऑफिस में, ठीक है ना, हमारे पास कोई पोस्ट खाली है और मेरी इतनी जानकारी है कि मैं प्लेस करवा सकता हूँ, ठीक है, बदले में 5 लाख रुपए दे देना। दिस इज एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इट कैन बी इलीगल, इट मे नॉट बी इलीगल। मैंने किसी को बोला कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं आपके और हमारे बीच में, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा, ठीक है ना, आप इतने साल तक शादी नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है। ये भी क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इससे, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो गया? ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है ना, खुद के हिसाब से तुमने एक आदमी सिलेक्ट करके डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। दीज आर ऑल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नहीं, कोई एग्रीमेंट जॉब की ऐसी नहीं होती, और अगर है तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल। कोई जॉब में ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि आप इतने साल तक शादी नहीं कर सकते, और अगर ऐसा लिखा है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। इट इज नॉट एनफोर्सेबल। तुम चाहे सरहद पार जवान बनो बेटा, तो भी तुम्हें क्या है, शादी करना अलाउड रहेगा, ठीक है, क्लियर। ऐसी कोई ये तो इलीगल भी है, ये तो इलीगल भी है, ठीक है, गलत है, ये करना नहीं चाहिए, रॉन्ग। आप बताओ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आज मैं आपको एक दो टर्म्स और डिस्कस करूंगा, वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है पहले ना, तो वो डिस्कस कर रहा हूं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हम लोगों ने पढ़ा था वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताना बच्चों, आपने जो वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। ना, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच का अंतर था ये तो। वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट अलग अलग बात है। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर था? एग्रीमेंट पनिशेबल लॉ में पनिशमेंट की तो बात ही नहीं आई। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, बाद में सबसीक्वेंट सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी,
सबसीक्वेंट सुपर विनिंग, बाद में जाके क्या हो गया, वाइल्ड हो गया, ठीक है ना, बाद में जाके प्रॉब्लम आई, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब इनिशिएट करा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही खराब, शुरुआत से ही खराब। जब कोई वॉइड एग्रीमेंट होता है ना, तो हम उसको एक और नाम से प्रसिद्ध, एक और नाम है उसका, उससे भी पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं हम इसको, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है ना, वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, रॉन्ग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब पहले ही जब से बात हुई थी तुम्हारी तब से ही बातें क्या चल रही थी, गलत चल रही थी, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ट्रेजर ढूंढ के दूंगा बाय मैजिक, ठीक है ना, ऐसा जादू करूंगा कि सोना निकल के आएगा, ठीक है ना, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जहां एक तरफ से आलू डालो अगली तरफ से सोना मिलेगा। अब ये क्या है, अगर ऐसा मैं एग्रीमेंट कर लूं किसी के साथ, दिस इज वॉइड एब इनिशियो, दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट को हम वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत से ही खराब था, ठीक है ना, हम अगर कॉन्ट्रैक्ट के दर्जे के नाम दे उसको तुम क्या देंगे, वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो का मतलब क्या होता है, इनिशियली से ही वर्ड्स पकड़ना, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या, ऐसी चीज जो पहले से ही बेकार थी, ठीक है ना, जैसे अपने पीएम के दावेदार राहुल गांधी ने बोला एक ऐसी मशीन बनाऊंगा एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ठीक है। कई लोग, जरूरी नहीं है ना, कई लोग इतने समझदार हो दुनिया में, ठीक है ना, अपने यहां बाबा क्यों पकड़े जाते हैं हर चार पांच साल में एक दो, तो अपने यहां लोग भी कम समझदार है ना, तो एग्रीमेंट कर लेते होंगे, ठीक है। लॉ ने क्या बोला है, दिस इज वॉइड एब इनिशियो, क्या ऐसा एग्रीमेंट क्या करके आया था, ठीक है, अब इसमें बोल रहा है एनफोर्स कराओ, कहां से कराऊंगा, ठीक है, एग्रीमेंट ही गलत है, कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं बनती, ठीक है, अगर एग्रीमेंट ही गलत है तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अगर लिखी थी और वो टर्म्स एंड कंडीशंस सही थी तो वो भी सही नहीं मान सकते ना, बिकॉज द प्रिंसिपल एग्रीमेंट वॉज रॉन्ग। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन सेटिस्फाई फिर भी की जा सकती है, कुछ कंडीशन एनफोर्स की जा सकती है, हो सकता है कुछ खराब हो जाए, क्लियर, बात समझ में आई। तो वॉइड एग्रीमेंट को हम वॉइड एब इनिशियो भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं वर्ड आएगा ऐसे, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं जगह लिखा होता है अ कॉन्ट्रैक्ट डन बाय दिस दिस दिस, ठीक है, और ए बी सी डी में क्या डाल देगा, वो लिख देगा वॉइड, दूसरा पॉइंट क्या लिखा होगा, वॉइड एब इनिशियो। अब आपको पता दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये एब इनिशियो भी चल रहा है क्या, क्या शुरुआत से ही खराब था क्या, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जहां ऑप्शन में वॉइड एब इनिशियो दे ही नहीं रखा वहां तो तुम्हारी जीत है वैसे ही, तुम्हें तो वॉइड ही लगाना है टिक, क्लियर, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे मैं बोल रहा हूँ गारंटी से, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो ये बातें तुम कभी ना भूलना, ठीक है ना, ये वाली बातें, क्लियर, ओके, आगे बढ़े, ठीक है, ये कहीं लिख लो ना अपनी कॉपी में कि वॉइड एग्रीमेंट को हम प्यार से वॉइड एब इनिशियो भी बोलते हैं, क्लियर, विच इज ए बी, ए बी एब, एबनॉर्मल वाला जो ऐप होता है ना वो ही, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो, लिखो 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 कॉपी में, ठीक है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जो होते हैं ना, जैसे वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफरेंस क्लियर होने से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको ये बुद्धि सही चल रही है, दिमाग सही जगह पे चालू है तो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बुक में आंसर्स मार्क्ड हैं, मेरी बुक में क्वेश्चंस भी मार्क्ड हैं जो मुझे आज करवाने हैं, ठीक है, तो आप लोगों से मैं बुक लूंगा, आपके किसी भी एक छात्र की बुक लेते आना, ऐसा मत सोचना बुक कभी खुलेगी नहीं, ठीक है, कई लोग सोचे बोझ कम कर दो, इतनी पतली सी किताब है रोज लेके आना, ठीक है, तो बुक कभी कभी खुलेगी फॉर रेफरेंस ऑफ क्वेश्चंस, मेजरली कॉन्सेप्ट हम बुक रेफर करके नहीं करेंगे, ठीक है, आपको मैं याद कराऊंगा क्लास में, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, कहानी क्लियर है, ठीक है ना, तो तुमको अगर कोई चीज वाइड एग्रीमेंट लगे तो तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल दोगे, वाइड एब इनिशियो, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट मान के चल रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ठीक है ना, इट वॉज वाइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वाइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है ना, जब से आए हो तब से ही दिक्कत थी, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया, चलो हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा
कल कल क्या पढ़ा था, चलो कल कल का डिस्कस करते हैं। कल कल हम लोगों ने सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के ऊपर चर्चा की थी, उससे पहले भी कुछ किया था, ये तो पहले ही कर लिया था ना। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब मालूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मांग रहे क्या वाइन, मालूम होना चाहिए कौन सी, कौन से ब्रांड की, क्या भाई क्या मांग रहे हो। ठीक है, मैंने कहा वो देना, अब मैं यहाँ बोलूँ वो देना तो यहाँ तक कितना सारा सामान पड़ा है, बोले वो क्या। ठीक है, क्लियर। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कोई एक्ट ही इम्पॉसिबल है और तुम होशियारी बोल रहे हो कि ये तो हो जाएगा देख लेना, क्लियर, तो वो नहीं हो सकता ना। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्रीमेंट बोला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब जो मैरिज रोके दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर मैंने माइनर को रोका तो अच्छा किया कि बुरा किया, माइनर को अच्छा ही किया ना, फिर तो वैलिड होगा। माइनर के साथ में अगर एग्रीमेंट है रिस्ट्रेंट का, ठीक है, तो माइनर है जब तक, तब तक तो ठीक है वो, ठीक है ना। माइनर को तो कहाँ अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, माइनर की मैरिज ही गलत है, क्लियर। ठीक है, बाकी किसी का मन तो उसका तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला जो पॉइंट बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं कंप्लायंस ऑफ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। बहुत सिंपल सिंपल बात लिखी है उसने, कहा काफी जगह क्या होता है, जैसे हर जगह ना अपने अपने लॉ बने हुए हैं। आज जो भी बड़ी बड़ी चीजों की डीलिंग होती है, जैसे आपकी अगर रियल एस्टेट में डीलिंग है, ठीक है ना, तो एक एक्ट बनाया गया है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी है तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है वैसे प्रॉपर्टी के भी एक्ट हैं अलग अलग। अब प्रॉपर्टी के एक्ट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप तो पढ़ोगे तो पढ़ोगे तो पढ़ोगे, क्या पता या नहीं भी पढ़ो। मैंने सीएस किया था क्योंकि, तो मुझे प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना पड़ा था, ठीक है, वरना नहीं आता। अगर आप सीए में हो तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं पढ़ना, हाल फिलहाल तो ऐसी कोई कोर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने जब ये पढ़ा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही, लेकिन कुछ कंडीशंस उसमें दे रखी थी कि स्टैंपिंग पक्का पक्का होनी चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई, ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई। अगर आपने उस एक्ट के हिसाब की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं की और कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड था तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ कमी रह गई ना, आपने लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, वहां पे स्पेसिफिकली कोई लीगल फॉर्मेलिटी मांग रहा है और आपने पूरी नहीं की, इट विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट, वॉइड। एग्रीमेंट आपका गलत बिल्कुल भी नहीं था, एग्रीमेंट गलत नहीं था, लेकिन मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट घोषित नहीं कर सकता। क्या कोर्ट एक्सेप्टेबिलिटी ले लेगा, मैंने आपको जमीन, ठीक है ना, जमीन बेच दी, क्लियर, जमीन बेच दी और मान लो मेरी जमीन 30 लाख रुपए की आज की मार्केट वैल्यू थी, मैंने मार्केट वैल्यू पे बेच दी, कोई दिक्कत नहीं, उस जमीन के मेरे पास कागजात नहीं है, तो आपने बोला रजिस्ट्री देना, तो मैंने कहा मेरे तो पुश्तैनी जमीन थी, तब रजिस्ट्री वगैरह करवाई नहीं थी, होल्ड यही चल रहा था, इतने सालों से हमने कभी लोड लिया नहीं रजिस्ट्री करवाने का, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, अपन तो एग्जीक्यूट कर लेते ना आपस में, अरे तुमको जमीन चाहिए तो कोर्ट इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लेगी क्या, बोलेगी ना रजिस्ट्री ला, तो बोलेगा रजिस्ट्री क्यों, हमने तो बराबर एग्रीमेंट करा है, कंसिडरेशन भी था, बोला था ना कंसिडरेशन एसेंशियल एलिमेंट्स, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट पे अभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन भी था, सर हमने लिख के करा है कोई दिक्कत नहीं है, साइन वाइन भी मार दिया है, ठीक है, तो चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है एज पर सम अदर लॉ विच रिक्वायर्स यू टू कंप्लाई विद सम नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। इस पे सवाल बहुत कम आता है, एग्रीमेंट वॉइड नहीं बोलूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बोल दूंगा मैं, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट जब कर रहे थे, ठीक है ना, तो एग्रीमेंट वॉज नॉट रॉन्ग, एग्रीमेंट में गलती नहीं थी, ठीक है ना, एग्रीमेंट में गलती नहीं थी, जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म आई, जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म आई तब दिक्कत हुई, क्लियर। कुछ नेसेसरी एनफोर्सेबल नहीं रहेगा, एनफोर्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई क्या, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी पूरा होना चाहिए, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी पूरा होना चाहिए, क्लियर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड, ये भी क्या हो जाएगा, वॉइड। अगर तुम्हारे को नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं हो रहा, इट विल बिकम वॉइड एवरीवेयर व्हेन द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट विल, इट कैन बिकम वाइड, इट कैन बिकम समथिंग एल्स ऑल्सो, क्या बन सकता है वो देखेंगे। लास्ट जो अपना टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स का, वो क्या है, फ्री कंसेंट। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये पढ़ा के खत्म हो जाएगा, ये चलता चलेगा, ठीक है ना, बहुत डेप्थ में जाना है अभी। आप मुझे ये बताओ अभी तक के जो पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने, क्या क्या पॉइंट्स पढ़े सर,
हम लोगों ने पढ़े इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कंप्लायंस ऑफ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सिंपल है. फ्री कंसेंट और भी सिंपल है, ठीक है. फ्री कंसेंट क्या बोलता है कि भाई दबाव नहीं होना चाहिए. दबाव मतलब क्या, मेरे सिर पे बोझ नहीं होना चाहिए. मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है, और मेरे सिर पे किसी ने बंदूक रख रखी है, ठीक है, कि नहीं इतने में ही करना पड़ेगा, क्या है ये दबाव है, दबाव है. द कंसेंट इज नॉट फ्री. अब देखो ये तो मैंने एक बोला कि किसी ने मेरे पे जोर जबरदस्ती ऐसे की बंदूक रख के. कई लोग होते हैं ना जिनका इन्फ्लुएंस बहुत जोरदार होता है, जैसे अपने माता पिता का अपने ऊपर, देख बेटा ये कर ले, देख हम कह रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना. पोजीशन कभी कभी ऐसी होती है, या किसी मास्टर का अपने सर्वेंट पे, अरे मैं बोल रहा हूँ ना 20,000 रुपए जा मेरे अकाउंट में जमा करा दे, नोटबंदी हुई थी तेरे अकाउंट में जमा करा ले, जा कल परसों निकाल के ला देना. अब वो बेचारा सर्वेंट होते हुए क्या फंस गया ना, कह रहे सेठ ने बोला है जाना पड़ेगा, ठीक है. ये क्या है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, करने की इच्छा नहीं लेकिन करना पड़ रहा है, इसको भी क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं. बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है. तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं. एक तो मैंने बोला कि आपने सिर पे बंदूक रख ली, दो टाइप का प्रेशर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. बेसिकली एक तो आपने क्या बोला कि मेरे सिर पे बंदूक रख दी गई, बंदूक रख दी गई इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ डायरेक्ट फोर्स. और एक प्रेशर ऐसा होता है जहां पे लोग आपके साथ में, आपको कोई कुछ कर नहीं रहा, मारने वारने की धमकी नहीं दे रहा, आपकी कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं का. प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, सामने वाला बंदा आपको इस तरह से उस पोजीशन में, उस कमांडिंग पोजीशन में कि आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस चला सकता है. क्या चला सकता है, इन्फ्लुएंस. जैसे कई लोगों का सीए लेने का डिसीजन इन्फ्लुएंशियल भी तो हो सकता है कि हमको सीए करना है, उसमें इन्फ्लुएंस का बड़ा रोल हो सकता है. जैसे मैं तो इन्फ्लुएंस में सीए करा था, ठीक है, बाकी मैंने सोचा था शायद साइंस लूंगा, 11 मेरा 10th तक एंड तक साइंस लेने का ही मन था, फिर मैं इन्फ्लुएंस में आया लोगों के, तो मुझे पता चला अच्छा सीए करना चाहिए, लेकिन चलो डिसीजन मेरी अपनी थी, क्लियर. और कई लोग जैसे मान लो कोई तो माता बोल दे कि अगर तू ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी अब से, आज से बंद, ठीक है, कि अब हम अनशन पे हैं, कि बच्चे तू ऐसे कर रहे ना अब नहीं, तो ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस. इसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा इन्फ्लुएंस जो काम का नहीं है. इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस जो है वो मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है मास्टर सर्वेंट, ठीक है. एक ट्रस्ट के रिलेशनशिप में आ सकता है, कौन से रिलेशनशिप में, ट्रस्ट, ठीक है. जैसे मान लो मैं जब शेयर्स वगैरह खरीदता हूं तो हमारा ट्रस्ट किस पे होता है, स्टॉक ब्रोकर के ऊपर, हमारा ब्रोकर के ऊपर भरोसा है, तो मैं पूछूंगा उससे, ठीक है, मेरे ब्रोकर से एक्स वाई जेड से फोन करके कि हेलो अभी कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है, उसने बोला ये अच्छा चल रहा है साहब ले लो, ठीक है, तो मैंने उसकी इन्फ्लुएंस में आके ले लिया, ठीक है, वो मुझे कन्विंस करता रहा, क्योंकि हमारी ट्रस्ट के बीच में रिलेशनशिप चल रही है. इसको बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप. क्या बोलते हैं, फिड्यूशरी. क्या बोलते हैं, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ठीक है ना, जहां पे भरोसा होता है. फिड्यूशरी का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज ऐसी जो भरोसे पे टिकी है, ठीक है, भरोसे पे, विश्वास पे. तो किसी का विश्वास आप बहुत करते हो, उसने बोला ये कर दे, मैंने कहा कर दिया, ठीक है, उसने कहा खून कर दे, मैंने कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स में भी, ठीक है. और कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है जहां नेचुरल पावर सुप्रीम होती है, रिलेशन ही ऐसे हैं पार्टीज के बीच में, ठीक है ना, जैसे फादर सन, ठीक है, जैसे कि फादर सन एक रिलेशनशिप ऐसा है जहां पे इन्फ्लुएंस रहेगा किसका, किस पे, फादर का सन पे. और आजकल तो उल्टा भी चलता है, सन का फादर पे बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये करना ही पड़ेगा नहीं तो, ठीक है. अब देखते चलना, फ्री कंसेंट की बात करता हूं. फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, इट शुड नॉट बी व्हाट, प्रेशराइज्ड, प्लस साथ के साथ बराबर समझ में आनी चाहिए दोनों को बात. ऐसा नहीं कि अपने तुम मेरे पे जोर जबरदस्ती करके मेरे से कुछ काम करवा दो, ठीक है ना, ओके. तो पीपल शुड अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. इसको बोलते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट है कंसेंसस एड ईडम का. सेम सेंस का मतलब क्या, मैं भी उतना ही खुश होके अपने मन से, अपने विचारों से आपके साथ जुड़ रहा हूं, आप भी उतनी ही खुशी से अपने मन से, अपने विचारों से मेरे साथ जुड़िए. सिंपल, जो भी मैं बात कर रहा हूं आप आराम से सोच के अपना डिसीजन लेना, ठीक है ना, अपने सेंस में लेना,
क्लियर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंसेंसस एड ईडम, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, कंसेंसस एड ईडम, अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. ठीक है, अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. पूरा ऐसा लिखना, फ्री कंसेंट भी लिख दो, नॉट प्रेशराइज्ड, ठीक है ना, लिखो, ये इतना लिखना पड़ेगा, यहां तक का जितना दे रखा है ना मैंने आपको, बस इतना जितना पेज आपको नजर आ रहा है उतना एक बार लिख लो, ठीक है ना, दिस इज रिक्वायर्ड, अपनी कॉपी में होना चाहिए, अपने को मालूम होना चाहिए. Free consent, क्या that means you should not be pressurized. Everything should be what? Well understood. You should agree upon the same thing in the same sense. That is what consensus ad idem. मैंने लिखा है free consent और लिख के काटा लगाया है, इसका मतलब क्या? In इन cases में consent free नहीं होगी, ठीक है ना. आप लोग काटने का काम, लिख के काटने का काम करना, क्यों? उसे याद रहता है. क्लियर, इन इन केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती. पहली जो चीज लिखी है मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा, लिखा है कोअर्जन. क्या लिखा है? कोअर्जन, सी ओ ई आर सी आई ओ एन. दूसरा क्या लिखा है? ये तो हमने पढ़ा अभी, थोड़ा बहुत समझा हम लोगों ने इसके बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, मेरे को लगता है बाकी तो लिख लोगे. फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कुछ सेक्शन नंबर्स भी लिखे मैंने, ठीक है. ये सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सेक्शंस नंबर, ये सेक्शन नंबर्स क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब ये सेक्शन के नंबर आपको याद रखने हैं. और याद रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्यों नहीं है दिक्कत? 15, 16, 17, 18, चार तो यही है, ठीक है, और एक क्या है, एक छोड़ के 20. क्लियर, मिस्टेक सेक्शन 20, मिस्टेक सेक्शन 20, ठीक है ना, मिस्टेक सेक्शन 20, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, फ्रॉड सेक्शन 17, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, कोअर्जन सेक्शन 15. बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज कंसेंसस एड ईडम. एड ईडम बराबर तरीके से, बराबर सेंस में सबको समझ में आना चाहिए. कंसेंट शुड बी फ्री, मेरी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है ना, मेरे साथ ही प्रॉब्लम करोगे ऐसा थोड़ी होना चाहिए, गलत है ना. चलो मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ कोअर्शन के. कोअर्शन होता है प्रॉपर, जो बोलते हैं ना गोली के दम पे काम करवाना, प्रॉपर फोर्स, ठीक है ना. कोअर्शन की मीनिंग देखना क्या लिखा है मैंने, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट. मतलब मैं बोल रहा हूं कि देख मैंने ये कर दिया है, या फिर मैं देख लेना ऐसा कर दूंगा, ये धमकी चल रही है ना, या तो कर दिया है या तो एक्ट हो चुका, ठीक है, मैंने किडनैप कर लिया, अब किडनैप से तभी छोड़ूंगा जब तू ये करेगा, एक तो ये बोल दिया, और एक मैंने बोल दिया कि अगर ये नहीं करा ना तो देख कल से चिंता कर लेना, बच्चा स्कूल जाता है कहां तक जाता है मुझे पता है, ठीक है ना, कल से चिंता कर लेना. नहीं देनी गाड़ी मेरे को 5,000 रुपये में, नहीं देनी पक्का, सोच ले देख, बाकी मेरे को पता है. हाँ सुबह सुबह मेरे को पता है कि तेरा बेटा भाई वहीं जाता है, वहीं जाता है ना, उसी स्कूल जाता है ना, हाँ चिंता कर ले बेटा, इस ऑटो नंबर से जाता है, हाँ 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 ठीक है. ये क्या है? ये कोअर्शन चल रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? थ्रेटन कर रहा है. कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड. कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड वो वाली चीज है ना, आईपीसी की धारा 404 के अनुसार आपको 7 साल की सजा सुनाई जाती है. ये आईपीसी की धारा क्या है? सारा क्रिमिनल कोड में चल रहा है, ठीक है ना. तुमने कोई क्राइम कर दिया, कहां पे आता है? आईपीसी में. तो तुमने, मैंने या तो काम कर दिया ऐसा कुछ, या थ्रेटनिंग दे रहा हूं कि ऐसा कर दूंगा, मैं गोली मारूंगा देख लेना, ऐसे बोल देने का मतलब क्या है? थ्रेटन करना, ठीक है ना. फॉर डूइंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन. फॉरबिडन मतलब क्या? वो एक्ट मना कर रखा है इंडियन पेनल कोड में, करोगे तो हम सजा देंगे. और क्या बोला उसने? अनलॉफुल डिटेनिंग.
or threatening to detain any property. क्या बोल रहा है? Unlawful detaining or threatening to detain any property. इसका मतलब क्या है? Unlawful detaining. Detain का मतलब क्या? जैसे मान लो ये visualizer है, ठीक है ना? तो ये मेरा है. तो मान लो ये मेरा भांजा आया और समेट के ले गया. आ जा मेरे बच्चे, आ जा. ठीक है, इसको ले गया. मैंने कहा ऐसे कैसे लेके जा रहे है? तो मैंने कहा वापस लौटाना. ठीक है, तो बोल रहा है कि नहीं. तो मैंने कहा क्यों? तो बोल रहा है कि देख लेना, अब तो मैंने ले लिया, अब आप है ना 2000 रुपए दो. मैंने कहा क्यों? बोले बस मेरे को ऐसे ही चाहिए. ठीक है, आज नई मूवी लगी है, मूवी देखने जाना है. मैंने कहा क्यों दूंगा? बोले देना पड़ेगा. तो मैंने कहा नहीं दूंगा. तो बोला ये है ना मेरे पास अभी, या तो ये मैं लेके जा रहा हूँ या आपके सामने ही तोड़ दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ. ठीक है, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, मेरा भांजा ऐसा, पर अब क्या करे, मान लिया. ठीक है ना, ये क्या है? अनलॉफुल डिटेनिंग. ये डिटेन करके ले गए कि नहीं देता. मैंने कहा अरे ऐसे कैसे? बोले अब है, या फिर थ्रेटन करना. देख रहे हो ना, प्रोजेक्टर लग रहा है, कल हो सकता है नहीं दिखे. ये कैमरा लग रहा है, हो सकता है कल हो ना हो. ठीक है, समझ में आई बात? तो या तो प्रॉपर्टी को डिटेन करना है ऐसा कुछ. मान लो मेरी घर के डॉक्यूमेंट भाग किसी ने कब्जे में ले लिए, बोला अब मैं दूंगा नहीं जब तक ये काम नहीं होगा. समझते हैं थोड़े बहुत और, देखना. I'll kill you if you do not sell your land to me for ₹10,000. मतलब इतना अच्छा इंसान है, पैसे देने तैयार है, 10,000 दूंगा. ठीक है, पर क्या तुम्हारी इच्छा होगी? मान लो 1 करोड़ की लैंड है, नहीं होगी ना. ठीक है, तो इसने तो बेचारे ने हाथ ऊपर कर लिया, हैंड्स अप. ठीक है, ओके. क्या बोला अब ये क्या, इसने जो ओके बोला है ये फ्री कंसेंट से बोला है? एकदम कंसेंसस एड इडम में आके अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस. ठीक है ना, एकदम मजे से. हाँ हाँ, कूल डूड की तरह. अरे ले जा ले जा ले जा, ऐसे थोड़ी है. कैसे बोला है? दुख में आके, कोअर्शन से. ठीक है ना, ट्रिगर के ऊपर, बिल्कुल. ठीक है ना, तमंचे पे डिस्को है ये. क्लियर? अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? ये जो पार्टी है ये क्या है? एग्रीव्ड पार्टी. इस पार्टी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड. गूगल से अगर आप मीनिंग देखोगे एग्रीव्ड का, तो ये मीनिंग निकलता है क्या? अ पर्सन हु हैज बीन अनफेयरली ट्रीटेड. तो एग्रीव्ड पार्टी क्या हुई? वो पार्टी जिसको धक्का लगा, नुकसान हुआ, जिसके साथ में फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ. क्लियर? बहुत बढ़िया. आई विल किडनैप योर सन. ये थ्रेटनिंग दी है. आई विल करानी है. यहां तो ट्रिगर ही रख दिया, यहां क्या बोल रहा है? आई विल किडनैप योर सन इफ यू डोंट सेल मी योर कार. फिर रो रहा है बेचारा. ठीक है, आई विल गिव द प्रॉपर्टी पेपर्स ओनली वेन यू गिव मी ₹5 लाख. ये क्या है? फिर रो रहा है बेचारा. क्या है? सब क्या चल रहा है? ये कोअर्शन. एक और थ्रेट है, थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड. जो लोग बोलते हैं ना ये नहीं होगा तो देख लेना मैं ये कर दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी क्या बोलते हैं? कोअर्शन बोलते हैं. ठीक है ना, अब थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड को कोअर्शन क्यों बोलते थे वो समझाता हूं. क्योंकि इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ था सुसाइड करना एक गुना लिखा हुआ था, अभी वो गुना हटा दिया गया है. ठीक है, तो मैंने इंस्टीट्यूट को मेल लिखा है कि क्या आप पुराने कोर्स के हिसाब से ही काम कराओगे, या आप इसमें सेक्शन कमेंट करना है या नहीं करना है, या हमें करना है या नहीं करना, हमें क्लियर करो. तो मैंने इंस्टीट्यूट को मेल लिखे, होपफुली विल गेट अ रिप्लाई. ठीक है, बाकी दुनिया जान को तो मालूम भी नहीं है शायद कि सुसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के साथ में क्या बोल दिया कि सुसाइड करना अब अलाउड है, सुसाइड करना इज नॉट अ क्राइम. पहले इंडियन पीनल कोड में सुसाइड करना ही एक क्राइम था, आप सुसाइड नहीं कर सकते थे. ठीक है, दैट वॉज कंसिडर्ड एज अ क्राइम. तो अब क्या थ्रेटनिंग को कोअर्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे वो भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि पहले इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ था, इसलिए सुसाइड को क्या मानते थे हम? गलत मानते थे, कोअर्शन मानते थे. अब पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, बिल्कुल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा. ठीक है ना, हमने इंस्टीट्यूट को मेल लिखा है, इंस्टीट्यूट इस पे क्या प्रक्रिया उठाती है? मैं तो आज भी बोलूंगा कि कमिटिंग, थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड अमाउंट्स एंड शुड डेफिनेटली टेंटामाउंट टू कोअर्शन. लेकिन लॉ में क्या लिखा है? लॉ में ऐसे लिख के लिखा है, लॉ में क्या लिखा है? लॉ में ये लिखा है, लॉ में ऐसे लिखा है क्योंकि ये इंडियन पेनल कोड में लिखा है कि सुसाइड भी फॉरबिडन है इंडियन पेनल कोड में. ठीक है, इट इज नॉट अलाउड एज पर द इंडियन पेनल कोड. दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट व्हाट कमिटिंग सुसाइड अमाउंट्स टू कोअर्शन. ऐसा कहां लिखा है आपकी लॉ की किताब में लिखा है? तो अब तो इंडियन पेनल कोड ने तो छोड़ दिया ना, तो सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा.
आज भी कारणवश तो वैसे भी सुसाइड करना भी थ्रेटनिंग तो दे रहे हैं ना, थ्रेटनिंग टू कमिट समथिंग, बट वो सिर्फ इंडियन पेनल कोड होगा क्या? नहीं, ठीक है ना। अब क्या होता है लॉ में हर चीज तुरंत तुरंत अमेंड नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आगे आप लोग लगाएंगे दिमाग की कहां कहां इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी, फिर सजेशन आएगा, फिर चेंज होगा। तो अभी के लिए हमें क्या मानना है, मैंने इंडियन पेनल कोड का जिक्र करते हुए नहीं बोला यहां पे आपको, मैंने डायरेक्ट सेंटेंस लिखा, क्यों? क्योंकि आगे भी बात आपकी ठीक रहनी चाहिए। आप एक दो साल आगे जाओगे और फिर गलत बोलोगे तो अच्छा थोड़ी ना, क्वेश्चन तो आज भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? जितना मैंने लिखा है, मैं अगर ऐसे लिखता है क्योंकि इंडियन पेनल कोड में लिखा है कि सुसाइड, तो वो तो हट गया ना। क्लियर बात ये, एन एग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय कोअर्शन इज वॉइडेबल एंड नॉट वॉइड। अभी एक नई टर्म आ गई सर, क्या? वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब क्या? शायद वॉइड करार दिया जा सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वॉइड करार दिया जाए। देखना, समझना, अगर मान लो ये बंदूक दिखा रहा है और फिर भी इसने मना कर दिया कि नहीं करना, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, मतलब नहीं हो सकता, इसकी कोई एनफोर्सबिलिटी, ये जाके एनफोर्स करा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का राइट इसके पास नहीं होगा। किसके पास नहीं होगा? इसके पास नहीं होगा, इसके पास नहीं होगा, इस केस में इसके पास नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे वैलिडिटी बाकी सब चीजों की पूरी है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है, कोर्स्ड कंसेंट है, मान लो इसको लगता है कि अरे यार अपने को तो बेनिफिट है, इसको क्या लगता है कि अपने को तो बेनिफिट है, हो सकता है 10,000 रुपए भी दे रहा है, पता नहीं उसको लग रहा है कि, मान लो जस्ट पिछले दिन वो कुछ खेत में गड़बड़ी हुई थी, खराब था खेत, ठीक है, या मान लो इसको लग रहा है कि यार अपने तो कोई अपने को तो अपने कोई बाबा जी बोल के गए थे कि जब तक ये खेत तेरे पास रहेगा ना तब तक तेरी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होगी, किसको बेच। अब इसने तो बंदूक दिखा के लिए, ठीक है, पर इसने सोचा क्या यार अपने लिए ठीक है छोड़ना, तो ये एनफोर्स करा सकता है चाहे बाद में ये मना कर दे। जो एग्रीव पार्टी है ना, जो सफरिंग पार्टी, अगर उसको उसमें बेनिफिट नजर आ रहा है, कभी कभी होता है ना कि सामने वाला तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अपने को एक्चुअल में फायदा हो रहा है, ठीक है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। और अगर मना हो जाए तो ये एनफोर्स करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकता, ठीक है, ये एनफोर्स करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकता। क्लियर? अगर ये बोलता है हाँ और ये बाद में पूरा नहीं करता, पहले एक बार तो अभी हाँ बोल दिया यार, बंदूक बंदूक है सिर पे, हाँ बोल दिया, ठीक है, करता हूं, अब एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, बाद में प्रोसीडिंग रुकवा दी उसने, कह रहे कोई ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ नहीं देनी, ऐसी की तैसी, ठीक है, तो क्या ये एनफोर्स करा सकता है? नहीं करा सकता। लेकिन अगर मान लो इसको लगा कि अरे यार सही सही बच गए यार, 10,000 रुपए में लेके जा रहे हैं, अपने पास तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, चल 10,000 रुपए आन दे, तो ये क्या कर सकता है? ये एनफोर्स करा सकता है? हाँ करा सकता है। चाहे से ये क्या था, चाहे से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, कोअर्शन से था, लेकिन एक जना एनफोर्स करा सकता है। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका नाम क्या था? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैलिड है क्या? नहीं, दिस इज वॉइडेबल। एक जन चाहे तो इसको वॉइड करार दे सकता है। वैलिड का मतलब क्या है? दोनों में से किसी का भी पुरजोर विरोध लगा ले, कोई भी उसको वैलिड को इनवैलिड नहीं कर सकता। बात समझ में आई? कोई भी उस वैलिड को इनवैलिड नहीं कर सकता। तो इनवैलिड का मतलब क्या हो सकता है? वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लिया जाए और ये पार्टी एग्जीक्यूट करना चाहे, कौन सी पार्टी? एग्रीड पार्टी, तो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। लेकिन एज सच इनिशिएशन पे मैं इसको वैलिड नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन आती है, क्या? कौन सी कंडीशन आती है आपकी? फ्री कंसेंट की। एक बार हम याद करें, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है एसेंशियल एलिमेंट्स में, आप मुझे बोलना, मैं लिखूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा मैं पेन तैयार कर लूं, फिर बताना। अब बताओ, लीगल रिलेशनशिप, चलो ठीक है, आप लोगों ने बोला क्या? अच्छा, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जो काम करने के लिए दी गई वस्तु है वो लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है ना। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो काम करवाना चाहते हो वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, चलो ठीक है। कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? माइनर, माइनर, अनसाउंड माइंड, ल्यूसिड स्टेट में कर सकता है, बिल्कुल ठीक,
जब हालात ठीक हो वो कर सकता है। एक पर्सन बड़े साउंड माइंड का है, एक पर्सन बड़े साउंड माइंड का है, अचानक उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, ठीक है ना, दौरा सुना ना, दौरा पड़ जाता है इसे, ठीक है ना। तो अगर वो दौरा पड़ता है तो उस दौरान उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जनरली इज साउंड माइंड, नहीं वो भी वैलिड नहीं होगा। इफ अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड बट हैज एन इंटरवल ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अच्छा, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, वेरी गुड, जैसे कि एलियन एनिमीज वगैरह, फॉरेन सॉवरेन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर बताया था ना, एम्बेसी वगैरह में जो काम करते हैं उनके पास सुप्रीम पावर्स होती हैं, एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, इस वजह से हम नहीं चाहते कि उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, क्योंकि एक आम नागरिक को उसमें नुकसान होगा उल्टा, क्योंकि उनके पास इतनी सुप्रीम पावर्स होती है और उनके उनके ऊपर उनकी कंट्री का लॉ लगता है। जैसे अगर मान लो मैं यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी में बैठा हूं तो यूएसए का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा मुझे, मुझे इंडिया का लगेगा। अब मान लो मैं यूएसए से कॉन्ट्रैक्ट करके मस्त होकर आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा मेरे को तो मेरा देश बचाएगा, समझे। तो अन्याय किसके साथ हुआ, यूएसए वाले लोगों के साथ हुआ ना। ऐसे मान लो यूएसए की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में होगी, होगी ना, और उसमें अपना फॉरेन सॉवरीन बैठा है यूएसए वाला। अब यूएसए वाला इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहा है मजे मजे में, क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा ही नहीं, उसके ऊपर तो उसका लॉ लगेगा, ये उसको स्पेशल पावर है कि उसको उसी के कंट्री का हिस्सा माना जाता है। क्लियर, क्लियर। इसलिए हम नहीं चाहते इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर होना, ये कोई बुरे लोग नहीं है, फॉरेन सॉवरीन्स आर नॉट रॉन्ग पीपल, बट वी डोंट वांट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। क्लियर, ये लोग बुरे लोग नहीं है। अच्छा, और वॉइड एग्रीमेंट एक्सप्रेसली, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ठीक है ना, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, हम लोगों ने वॉइड एग्रीमेंट भी पढ़ा था और इलीगल एग्रीमेंट भी पढ़ा था। मैंने आपको ऐसा भी कहा था कि अगर ये वॉइड एग्रीमेंट है तो ये इलीगल एग्रीमेंट है, मतलब सारे ही इलीगल एग्रीमेंट डेफिनेटली वॉइड की कैटेगरी में आएंगे, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स मे नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट कब बनता है, एग्रीमेंट नॉट अलाउड बाय द इंडियन पेनल कोड, ऑफ कोर्स अगेन, ठीक है। और बताओ मुझे, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है, और Act impossible by act should not be impossible, ठीक है ना, possibility of performance, बिल्कुल ठीक बोला। दो और बचे हैं, जिसमें से एक तो आज ही पढ़ा है, इनफैक्ट दोनों आज पढ़े, आते ही क्या पढ़ाया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये वाला वाला क्या क्या चीज थी, लीगल फॉर्मैलिटीज, लीगल फॉर्मैलिटीज पूरा होना चाहिए और फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये सारी बातें, ये टोटल बातें हैं सारी, क्या बातें हैं, सारी टोटल मिला के बातें हैं, कितनी, 8, ठीक है ना। बातें कभी ना तू भूलना, मैं बोल रहा हूं बहुत, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, आपको याद हो गई ना, कोई बुक हम लोगों ने रेफर नहीं की, कुछ भी रेफर नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया, सब याद हो गया, ठीक है ना, ऐसा ही होना चाहिए, सिंपल गेम है, ठीक है ना, इससे मुश्किल कुछ है भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जैसा समझ में आ रहा है वैसा समझते चलो, कोई दिक्कत होगी भी नहीं, क्लियर। अभी तक जो समझा, अभी तक सारा क्लियर, सारा क्लियर, ठीक है ना। फ्री कंसेंट तक हम लोगों ने क्लियर कर ली अपनी बात, ठीक है ना। फ्री कंसेंट में केवल एक एरिया पे, फ्री कंसेंट के अभी कितने एरियाज बाकी हैं और डिस्कस करने हैं, 4, कम से कम 4 एरियाज और डिस्कस करने बाकी हैं। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज कोअर्शन, कौन सा, सेक्शन 15, क्या पूरा डिस्कस कर लिया हमने, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन, कमिटिंग थ्रेटनिंग टू कमिट कोई एक्ट फॉरबिडन, या फिर प्रॉपर्टी का डिटेंशन। देखो मैं आपको ना किताब से भी थोड़ा दिखा देता हूं। देखो यहां पे देखना, एलिमेंट्स वाइटिएटिंग, फ्री कंसेंट, कोअर्जन, कोर्जन की डेफिनेशन सेक्शन 15, दिस इज पेज नंबर 26, वी आर हैपहजार्डली जंपिंग वेरी मच पेजेस, ठीक है ना, हम लोग चलते चल रहे हैं, बहुत सारे पेजेस हमारा कवर होते चल रहे हैं, आपकी नॉलेज में नहीं है, मेरी नॉलेज में, ठीक है, कि कितना कितना कवर होते चल रहा है, तो जितना जितना बुक से कराना होगा उतना करूंगा। अभी देखना लिखा गया, कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड,
or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. बड़ा डरावने तरीके से लिखा है. आपको क्या इसका essence समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने समझाया आपको essence समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना. और क्या चाहिए? अंधा क्या मांगे? दो आंखें. बस ठीक है. क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी इतना समझ में आ गया तो मैं तुमको बोलता हूं कि हम ना अब देखो आज थोड़ा जस्टिफिकेशन करते हैं. ठीक है ना? मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको 1/4 1/5 कोर्स करा चुका हूं. किसका? कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन का. ठीक है ना? तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने लेवल पे. आप ही को आंसर देना है. तो आई वुड वांट अ बुक, क्योंकि ना आप लोग आंसर तो यहीं से दोगे वैसे भी. ठीक है ना? ओरली देना है हमने आंसर. मैं क्वेश्चंस, मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है. मेरे पास एन सर्कल्ड है हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसको लेकर के. तो हम बस उसके बेसिस पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना? मैं बोलता हूं यहाँ पे एंड में है क्वेश्चंस. अभी हम लोगों ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है. तो जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है, वी आर कमिंग अप विद इट एंड यू आर द वंस हु आर गोइंग टू आंसर इट. सबसे पहला सवाल, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेन्ड इन सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो इसका मतलब ऐसा सवाल भी आ सकता है. बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं आप लोग. इसमें आपको कोई खुद को शक है क्या? आंसर मैच करने की इच्छा है क्या? मैं मैच करवाऊं क्या एक बार? देखना तो नहीं. फिर भी इसे अच्छा नहीं लगता ना. फर्स्ट का आंसर क्या है? सी है. ठीक है ना? आगे के नालायक. मैं सारा तुमको है पसार पूछूंगा बेटा. तुम क्या सोच रहे हो? मैं अगला जरूरी थोड़ी है मैं दूसरा ही पूछूं तीसरा ही पूछूं. चलो सेकंड क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. बी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है. लॉफुल ऑफ प्रॉमिस हो सकता है, ऑब्लिगेशन हो सकता है, नहीं हो सकता. इसका मतलब मैंने आपको लॉ की लाइंस नहीं पढ़ाई है, एज इट इज नहीं पढ़ाई है. मैंने अपने हिसाब से उनको समझाया. आपसे आंसर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है. यू कैन राइट द, मतलब यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट द राइट आंसर. यस. अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन. वॉइड एग्रीमेंट बोला पहली बात तो. वॉइड एग्रीमेंट बोला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला. मतलब स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी. नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. अच्छा, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कोई चीज है तो वो क्या है? वॉइडेबल. एक इंसान कर सकता है, एक इंसान नहीं कर सकता. तो अगर कोअर्जन लिखा होता यहाँ पे तो क्या लिखा था? आप सी टिक कर देते ना. अपने आप समझ में आ रहा है? मैं तो आपको बोल रहा हूं, अगर मैं, चलो मैं आपको कहीं टिक लगाए हुए भी दिखा देता तो बात और होती. मैं तो कैसा दिखा रहा हूं? खुला क्वेश्चन है. ठीक है, आईसीआई का ये फोर्थ सवाल. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereon, but not at the option of the others. आधे लोग कर, एक तरफ के लोग कर सकते हैं, एक तरफ के लोग नहीं कर सकते. What kind of a contract is it? Voidable contract. ठीक है ना? See, कौन से cases में voidable contract हो सकता है? जहाँ पे free consent नहीं होती. ठीक है ना? उसके पांच केस बनते हैं. पहला हम लोगों ने कोअर्शन आज पढ़ा है, बाकी सारे हम पढ़ लेंगे तो याद होते चलेगा. ठीक है ना? बाकी नहीं भी याद है चलेगा, अभी तो चलेगा, मैंने पढ़ाया नहीं तो कैसे होगा. क्लियर? ये हो गया कौन सा अपना? फोर्थ सवाल. फिफ्थ अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है. सिक्स्थ, व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एबल. वॉइड एबल. आया मजा? ठीक है ना? ओके. दसवा सवाल देखना. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. ठीक है, बच्चा किसी को देखने का मन है पीछे आंसर की, तुम्हारे देखने का मन हो तो बता देना. ठीक है कि सर इस क्वेश्चन में चेक कराओ, हो सकता है हम गलत हो सकते हैं. ऐसा लग रहा है तुमको अभी? जहां लग ही नहीं रहा तो मतलब ही नहीं है. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. बिल्कुल ठीक ही बोला जिसने भी बोला, सभी ने बोला. चलो 19वां सवाल. ऑर्डिनरीली माइनर्स एग्रीमेंट इज, माइनर के साथ करा हुआ जनरली कोई भी एग्रीमेंट आप माइनर के साथ करते हैं तो वो कैसा होगा? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल एलिमेंट आया. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट माइनर की है क्या? नो. व्हाट इज इट ऑर्डिनरली? वॉइड एब इनिशियो. एग्रीमेंट में ही गड़बड़. हाँ जी. माइनर के साथ में रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट उसके हित में बेटा, है ना? तब हो सकता है. इट इज माइनर को बेनिफिट है उससे. आज लॉ में लिखा है कुछ, ठीक है ना? जैसे मेरी तो अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं हुई कि मैं शादी कर लूं. ठीक है, मेरे को तो घर वाले बोलते हैं कि अभी और 2 साल रुक जा, तेरे को, तेरा दिमाग थोड़ा ठीक रहेगा तब. ठीक है ना? मेरी तो आज भी मैच्योरिटी लोग कम बताते हैं. ठीक है, मैं 24 साल को. क्लियर? तो बेचारा एक 18 साल से छोटा इंसान, समझो ना, उसके बारे में तो सोचो. क्लियर?
क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? मैं क्या कह रहा था? हाँ हाँ, लड़कों की तो 21 में होती है, लड़कों के लिए 21 होती है शादी की एज, लेकिन मेजॉरिटी की एज सबके लिए 18 ही है, ठीक है ना? जैसे अभी एक मूवी आई थी हेट स्टोरी 4, वो ए रेटेड थी, ठीक है ना? तो वो आपको इंडिकेट क्या करती है कि अगर आप मेजर नहीं हो तो मत जाना, ठीक है? अच्छा लो देखना अगला क्वेश्चन 23. Consent is not said to be free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, all of these. अगर दो भी तुमको मिल रहे हैं, अभी तक अपन ने दो ही डिस्कस करे, अगर दो भी सही है तो इसका मतलब all of these होना ही है, fraud भी होगा ही होगा, वैसे लिखवा रखा है, ठीक है ना? Okay. यहाँ पे बात नहीं करूंगा, वैसे आपको पता होगा अगर free consent नहीं है तो contract क्या बनते हैं? Voidable. तो अगर यहाँ पे fraud था, fraud भी allowed है, तो fraud भी क्या हो जाएगा फिर? Voidable ही बनाएगा. मतलब ये तो जो नहीं पढ़ा उसका सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? 25वां सवाल देखना. The threat to commit suicide amounts to coercion. Good. ठीक है, सभी से हो रहा है? कोई अभी ऐसा बालक जिसको तकलीफ आ रही हो? नहीं. 31. ठीक है, an agreement is void if it is opposed to public policy. Which of the following is not covered by heads of public policy? Trading with an enemy public policy के खिलाफ है? खिलाफ है. Trafficking in public offices, मैंने income tax office में जाके भर्ती करवा दी 5 लाख रुपए लेके किसी की, खिलाफ है. Public policy के खिलाफ है. Marriage की brokerage होना खिलाफ है. बीच में दलाली करना कि आप उनसे शादी करा दो, आप बीच में 2 लाख रुपए ले लेना, ऐसे करते हैं लोग, पता है? करते हैं ना लोग, हमारे अग्रवाल में तो होता है ऐसा. मैं अग्रवाल हूं, ठीक है? हम जैन धर्म तो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है. जैन इज अ रिलीजन, जैन इज नॉट अ कास्ट, जैन इज अ रिलीजन. तो रिलीजन तो अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे आई कैन बी अग्रवाल एज वेल एज अ मुस्लिम, मुस्लिम इज अ रिलीजन, ठीक है? पर वो मेरे को बनना नहीं है. क्लियर? तो अगर कोई अग्रवाल हिंदुइज्म फॉलो करना चाहता है तो प्रॉपर हिंदुइज्म फॉलो करे, कोई जैनिज्म फॉलो करना चाहता है तो जैनिज्म फॉलो भी कर सकता है. तो हम लोग रहेंगे तो वही बायकास्ट क्या रहेंगे? अग्रवाल ही रहेंगे, तो मैं अग्रवाल हूं, ठीक है? तो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, बीच में दलाल ढूंढना, ठीक है? उसको बोलना ये रिश्ता करवा दे, इतने का इतने का, ये इतने की पार्टी है, ये इतने की पार्टी है, ये इतने की पार्टी है, ऐसे चलता है, पता है? क्लियर? Contracts to do impossible act. Contracts to do impossible act. A, B, C, D. ये public policy के against है क्या? नहीं. ये public policy के against नहीं है. इसने क्या पूछा? Which of the following is not covered by the heads of public policy? तो कौन सा covered नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? Agreement to do an impossible act. That is separately covered. वो तो अलग से पूछा है ना उसने. That is separately covered. Opposed to public policy थोड़ी ना. Clear? अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल आगे पूछता हूँ. ठीक है ना, हम लोग हैप हज़ार्ड चल रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट डन एवरीथिंग, राइट? 45th क्वेश्चन. ए अग्रीज टू पे रुपीज 1 लाख टू बी इफ ही ब्रिंग्स ऑन अर्थ अ स्टार फ्रॉम स्काई, ठीक है ना? दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड, ठीक है? अच्छा, मान लो यहाँ ऐसा लिखा होता, ठीक है ना? जैसे मान लो मेरी किताब है, मान लो इधर मैंने वॉइडेबल की जगह लिखा होता वॉइड, एबल काट के, ठीक है? और यहाँ पे लिख दिया होता void a binitio, तो क्या सिलेक्ट करते हैं? void या void a binitio? void a binitio. तुम शुरुआत कर रहे थे ना, जब इनिशिएट कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि ये तब से ही खराब था, ठीक है? क्या बातें कर रहा था रे? ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बात समझ में आई. उसके बाद 46th, which of the following statements is true? An agreement is an accepted proposal, yes. An agreement enforceable by law is a contract, yes. Both A and B, किसी को doubt? किसी को answer देखने की इच्छा? नहीं? 45, 46, 47 done. तीनों सवाल कर लिए, 45, 46, अच्छा 47 भी करना है. Avoidable contract is one which can be enforced at the option of, क्या बोलू? Option कितने लोगों का A answer? ए बी सी डी में से ए सभी का ही है, तो बस तो सभी का सही है.
ठीक है ना. एग्रीड पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जिसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है. तो अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है तो वही एनफोर्स करा सकता है ना. अगर उसको उसमें कुछ बेनिफिट नजर आ रहा हो तो क्या पता अचानक उसमें से उसको बेनिफिट नजर आने लग जाए, पॉसिबल है. ठीक है, ओके, आया मजा. देखो और करते हैं सवाल, सवालों का सिलसिला चालू हो गया. 57, 59, 57. एज ए जनरल रूल, जनरल रूल मतलब क्या, एकदम डिटेल में नहीं जाके बात कर रहे, ओवरऑल ओवरऑल. ठीक है ना, एज ए जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, कंसिडरेशन पहले ही दूसरा पॉइंट क्या था, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट. तो मतलब कंसिडरेशन तो चाहिए, यस. ठीक है ना, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. ठीक है, अनलॉफुल थोड़ी हो जाएगा, अनलॉफुल नहीं होती. ऐसे तो खूब एग्रीमेंट करते हो आप, लेकिन कोर्ट में चैलेंज नहीं हो पाएगा. क्लियर, ओके. 59th, ए अग्रीज टू सेल हिज कार वर्थ ₹1 lakh टू बी फॉर ₹20,000 ओनली एंड ए'स कंसेंट वॉज ऑब्टेन बाय कोअर्शन. हेयर द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल. अगर पता अचानक ए को लगे कि आज ही कार ठुकी है अपनी भयंकर, ठीक है, देने से पहले ही, क्लियर, तो क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके बोल सकता है कि सर इसने तो ऐसी हालत में ही मांगी थी मुझसे गाड़ी, कि तभी तो 20 की बेचता वरना थोड़ी 20 की बेचता. मान लो ले जाते डिवाइडर पे उल्टी हो गई गाड़ी, फिर सीधी करके उसने खड़ी करी उसको और बोला कि हाँ 20 में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और कोर्ट में जाके एनफोर्स करा लिया कि सर ये कबाड़ 20 में मांग रहा था तभी तो बेच रहा था मैं, और वो ये बोल नहीं सकता कि नहीं सर मैं तो 1 लाख वाली 20 में मांग रहा था, बंदूक रखी थी मैंने. ठीक है, ऐसे मैंने केसेस सुने. केसेस क्या सुने, जैसे मान लो किसी के पास कोई ब्लैक मनी पड़ा था, ठीक है ना, उसने किसी और को दिया, क्योंकि ब्लैक मनी की चैनल अलग होती है, बेचारे के क्या कर सकता है वो, सिस्टम में तो ला नहीं सकता उस पैसे को, तो सिस्टम में ना लाके उसने क्या करा, किसी ऐसे को दिया जो उसको इंटरेस्ट वगैरह देता है उस पैसे पे, तो उसने दे दिया पैसा, वो पैसे खा गया, तो वो जाके बेचारा बोल नहीं सकता ना कि सर मेरा चोरी का पैसा चोरी कर गया. ठीक है, समझे, सही बात है ना, ऐसे फंस जाते हैं. तो अगर तुम्हारे पास ब्लैक मनी हो तो देना नहीं, ठीक है ना, क्लियर, ओके. 63, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन से लोग नहीं कर सकते कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों ने पढ़े कैपेसिटी, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो आप लोग. ठीक है ना, अभी तक देखो एक सवाल भी गलत नहीं जा रहा है, और मैं आपके 202 सवाल आप ही लोग सही करोगे, मैं थोड़ी करूंगा. ठीक है ना, 67, तुमको पता है अभी 25 क्वेश्चन तो आज ही कर लोगे तुम, और कितने इसमें कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग अगर 8 क्लास आधा आधा घंटा भी बात करेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा, क्लियर, बट कॉन्सेप्ट कराने में टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गया, अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं है, आपने बुक नहीं खोली और आप सवाल कर पा रहे हो, व्हाट एल्स डू यू नीड, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्या दे सकते हो. ठीक है ना, किसी भी केस में नहीं आ सकता है ज्यादा कॉन्फिडेंस. कई लोग आपको मिल जाएंगे जो आप पूछ लोगे ना ऐसे सवाल, हैपसार्डली किताब खोलनी पड़ जाएगी, किताब में कहां लिखा है देखना पड़ जाएगा. आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग से ही आंसर होगा. ठीक है, देखना 67th. अच्छा ये मार्क्स भी कर दिया क्या, हाँ एक मिनट, 66 की बात नहीं करनी, 67th की बात कर रहे हैं. डी, Which of the following persons do not fall under the category? Do not fall under the category of persons of unsound mind. D. कौन सा नहीं पहुंचता? Alien. 68th. Which of the following elements does not affect the free consent of the parties? Coercion free consent पे जोर जबरदस्ती चलाता है, गलत करता है कि नहीं करता? करता है. Fraud करता है. Incompetency नहीं करता. कंसेंट से कुछ लेना देना इनकॉम्पिटेंसी का नहीं है. ठीक है ना, कौन सा 68th. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट अफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. बाकी सारे एलिमेंट्स देखो क्या वो फ्री कंसेंट को इंपैक्ट करते हैं? कोर्जन करता है, फ्रॉड भी करेगा, फ्रॉड लिखवा रखा है, कल डिस्कस अनइन्फ्लुएंस भी करेगा, तो कौन सा नहीं करेगा? इनकॉम्पिटेंसी. इनकॉम्पिटेंसी का कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, Somebody who is incompetent to contract, कोई बात नहीं, उससे मेरी free consent impact होती है क्या? मेरे सोचने का तरीका impact होता है क्या? मेरी free consent impact होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती ना?
चलो ठीक है 69th. अब देखो जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हो और आपको जैसे एक सवाल मान लो नहीं आया तो आप अपनी बुक में उसको मार्क कर लो सिंपल, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उसको तैयार कर सको पहले. क्लियर ना? अब जैसे आपको एक एक बार में नहीं आया तो आप उसको मार्क कर लो, जो एक बार में आ रहे हो तो गलत होता नहीं दोबारा. ठीक है हाँ. 69th. When the consent of party is obtained by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, the contract is void, voidable, valid या illegal? Voidable. Voidable. कौन सा आंसर? B. ठीक है ना. A threatens to kill B. क्या लग चुका पहले तो ये बताओ, इतनी लाइन पढ़ते ही coercion लग चुका. Coercion has a section number what? 15. ठीक है ना. कहां पे कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर coercion पढ़ा हम लोगों ने? Free consent. The concept is what? Related to enforceability. Enforceability comes with what? Agreement plus essential elements. Good. ठीक है, क्या लिखा है इसमें? A threatens to kill B if he does not agree to sell his scooter to him for rupees 1000 only. ठीक है, तो मान लो स्कूटर पे अचानक ट्रक चल गया तो मजा आ जाएगा किसको? B को. ठीक है ना, तो वो तो enforce करा सकता है, लेकिन A enforce करा पाएगा? अगर बराबर स्कूटर है, एकदम चमचमाता हुआ, एकदम चमक रहा है, और बाद में बोल दिया बी ने कि चल मैं नहीं देता. ठीक है, और जाके बैठ गया कोर्ट में कि सर ये तो बंदूक चला रहा है, या पुलिस की कस्टडी में जाके बैठ गया मैं कि सर ये तो गोली चला देगा मैं अगर उसको स्कूटर नहीं दूंगा, तो ऐसे कर रहा है, तो कौन गया? ए गया. तो ए मना नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था. कॉन्ट्रैक्ट तो लिखवाया होगा ना, जब बंदूक बंदूक रखी होगी, जब कि ये करना है डन डन डन. ठीक है, तब करवाया होगा उसने, तब भी एनफोर्स कर देगा और बी कर भी पाएगा. क्यों कर पाएगा? वो बोलेगा सर 1000 रुपए मैं ऐसा ही तो देता मैं. ठीक है, आप खुद सोचो, ऐसे थोड़ी दे देता. और वैसे भी उसने बोला है कि कंसिडरेशन नहीं हो, कंसिडरेशन जहां पे नहीं हो वहां कॉन्ट्रैक्ट खराब होता है. कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो लेकिन कंसेंट अगर फ्री हो तो वैलिड. कंसेंट कंसिडरेशन अगर इनएडिक्वेट हो लेकिन कंसेंट ही फ्री ना हो तो वॉइडेबल. ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं? कंसिडरेशन की एडिक्वेसी को लेके कोई चर्चा नहीं हुई कि कंसिडरेशन पर्याप्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है, मान लो तुम्हारे लिए हो सकता है पेन 3 रुपए का हो. ठीक है, हो सकता है तुम्हारे लिए पेन 3 रुपए का हो, मेरे लिए 8000 का है. क्लियर, मैं उत्ते में लाया इसको, तुमको लग सकता है 3 रुपए का होगा शायद. ठीक है, तो अब अगर मान लो तुमने, मैंने मान लो 3 रुपए में बेच दिया, मैंने अपनी सोच से बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए. क्लियर, मान लो मेरा ये टैबलेट खराब हो गया. ठीक है, और किसी को मान लो इनमें से, मान लो मेरे भांजे के पास सेम टैबलेट था, तो उसने बोला कि ऐसा करो मामा आप तो मुझे 800 रुपए में दे दो. तो मैंने सोचा कि भागते चोर की लंगोटी अच्छी, समझते इसका मतलब? ठीक है ना, कि अभी इसका कुछ नहीं मिलना, इससे बढ़िया मैं 800 रुपए में क्यों मांग रहा है, दे देता हूं. 800 रुपए में दे दिया. दिस इज वॉट फ्री कंसेंट. दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि मैंने इनको 800 रुपए में दे दिया मेरी खुद की सोच बुद्धि लगा के. ठीक है ना, इन्होंने मुझे कुछ धमकी नहीं दी. और इसने बोला कि मामा मेरे पास ये पेन नहीं मिल रहा है मुझे, मैं तो मर जाऊंगा आज, मुझे चाहिए. ठीक है ना, 100 रुपए में ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? किले. ऐसा नहीं होता ना, मतलब अपना. ठीक है ना, तुम लोग हमारा ही झगड़ा कराओगे. मतलब इतने, मतलब एक साल रुका हूं मैं अपने भांजे को पढ़ाने के लिए. 12वीं में 2 चैप्टर पढ़ा के चला गया था. ठीक है, अब जाके मौका पड़ा है वापस, तुम ऐसे कर रहे हो. ठीक है अच्छा 70th. अच्छा ये तो कर दिया ना हमने. 71st. When the consent to an agreement obtained by coercion, ठीक है ना, coercion लगा के अगर consent ली गई है, the agreement is voidable at the option of, अरे void कौन करार दे सकता है इसको? Aggrieved party, जिसको धक्का लगा है, जो sufferer है, sufferer. ठीक है ना, either party to the, कोई भी कर सकता है क्या? कोई भी कर सकता है क्या? वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ऐसा है क्या कुणाल? हाँ, कोई भी कर सकता है क्या? A point ठीक है क्या? हाँ, नहीं. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना है कि मेरी चॉइस तो उसकी चॉइस, ऐसा नहीं होगा. ठीक है ना, एनफोर्स कौन करा सकता है? जिसके साथ गलत हुआ है. अगर उसको लग रहा है कि अब इसमें फायदा निकल रहा है, करवा देगा एनफोर्स. ठीक है ना, ठीक है ना. अ पार्टी
whose consent was so obtained, मतलब जिसके ऊपर तुमने जोर जबरदस्ती लगा के कंसेंट ली थी, केवल उसी का अधिकार होगा. किसी को पीछे आंसर देखने का मन है? नहीं, चलो. 71st भी हो गया हमसे, हो गया ना, और क्या चाहिए? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते. 84th, A agrees to pay rupees 5 lakhs to B if he, B, मतलब कौन? B, procures an employment for A in income tax department. मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तुम income tax department में मुझे नौकरी दिलवा देना. Trafficking in public offices, क्या हो गया? Void. क्या ये void ab initio है? अगर मान लो दो चीजें लिखी होती, void ab initio and as well as void, क्या बोलता मैं? Void ab initio. ठीक है ना? A agrees to pay. तो क्या बोलते? Void ab initio बोलते ना? शुरुआत से ही खराब था. ठीक है ना? ऐसे सो मत बेटा. ठीक है? A agrees to pay rupees 50,000 to B if he kills C. ठीक है ना? सुपारी दे रहा है मतलब. ठीक है ना? क्या है? The agreement is voidable. Void. Voidable थोड़ी ना है कि चल मेरा मन है मैं तो enforce करूँगा. ठीक है? ऐसे नहीं होता. Clear? An agreement in restraint of marriage, that is which prevents a person from marrying, is void. An agreement in restraint of marriage is valid in case of following person. किसके ऊपर valid मानू? Minor पे. Minor को रोका है तो अच्छा ही करा ना. Minor को रोका. Void. क्यों बेटा? Which person prevents a person from marrying? ऐसा agreement लिख लिया गया है जो सामने वाले को रोक रहा है कि तू शादी नहीं कर सकता. ऐसे कैसे? हैं? मान लो मेरे से कोई साइन करवा ले एग्रीमेंट ऐसा कि तुम 32 साल तक शादी नहीं कर सकते. मैं कहा क्यों भाई? ठीक है, मेरा भी जीवन है. ठीक है. बताओ. हाँ, 87 का नहीं हो सकता बेटा. An agreement in restraint of marriage is valid in case of following persons. कोई married है, ठीक है ना? अब तुम वो तो कर सकता है एक और शादी भी, ठीक है ना? Provided उसको divorce देना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पे conditional आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, और 91. अगर आपको कहीं पे भी दो doubt आए ना, तो उस क्वेश्चन को मार्क करने ना अच्छी बात होगी अपनी अपनी बुक में, ठीक है ना? जहां पे भी आपको दो डाउट आए कि मेरा ये आंसर भी शायद हो सकता था, तो वहां पे उसको टिक लगा के उसको सही लिखो. क्यों? एग्जामिनेशन में वहीं अटकते हैं हम लोग जहां हम शुरुआत में अटके, ठीक है ना? तो अगर आपसे 200 क्वेश्चन हो रहे हैं जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन मान लो ऐसे लगते हैं कि यहां हम अटके थे, तो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर भी कौन से करने चाहिए? वो 30 करने चाहिए. उधर जोर होना चाहिए, उधर एफर्ट होनी चाहिए. सिमिलरली टेस्ट में भी ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको नए नवेले लग सकते हैं, ठीक है? तो नए नवेले क्वेश्चन पे हम लोग मार्किंग लेके चलेंगे, उसकी एक कॉपी में चाहे लिखना चालू कर सकते हो आप, वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना? इट इज बेनिफिशियल. तो पूरा मतलब हम अगर 25-26 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो इट इज गुड इफ यू राइट देम एंड प्रैक्टिस देम, सिंपल, ठीक है ना? और लॉजिक को लिख के, ऐसे नहीं बिना लॉजिक लिखे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू, या ए क्यू नहीं बी क्यू नहीं सी हाँ डी क्यू नहीं, वो लिखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि मन से चलो एक वर्ड याद है तो यही ठीक होगा, ऐसा नहीं, ये नहीं करना. आपको ये भी देखना है कि बाकी तीन क्यों नहीं, वो दिमाग में होना चाहिए आपके, ठीक है ना? अगर वो दिमाग में नहीं आ रहा, केवल वो आंसर ही आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम है. क्लियर? बाकी तीन नहीं हो सकता, इसकी भी जस्टिफिकेशन दिमाग में होनी चाहिए. ओके. 91. ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी एट अ प्राइस विच बी मे बी एबल टू पे. मे बी मतलब जो तू जो तेरे को जचे वो दे देना, ठीक है? अब अगर हम ऐसा बोल दें फीस में किसी को कि जो जचे वो दे देना, तो मान लो कोई तो एक रुपया दे देगा, बोले सर आप तो इतना एक सिक्का रखो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम? कहाँ पे हम लोगों ने आज जो हम लोग जो 8 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं एसेंशियल एलिमेंट्स में, वहां पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. एनीथिंग विच यू मे बी एबल टू पे, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी, कुछ भी थोड़ी होता है. कुछ भी क्या दे देना मतलब, ठीक है? अरे समझा भाई क्या चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. इट विल बिकम व्हाट? वॉइड. क्या बोल जाएंगे? वॉइड. हाँ, क्यों? वॉइडेबल भी हो सकता है मतलब, क्यों?
Voidable कब होता है? जब consent free नहीं होती, ठीक है? अब या तो valid हो सकता है या void हो सकता है. Voidable का case तो defined है. मैं तो उसमें होगी, गाड़ी में ही होगी. एक मिनट, कार रखी मैंने. लो, बैठ गई बात. अच्छा, देखो हम, मेरे जीवन का एक अनुभव है, वो समझाता हूँ थोड़ा सा. अब इतनी बात बैठी गई है तो तुम्हारे जीवन का अनुभव सीखना, ये उमदा ज्ञान है, ठीक है ना. जैसे मान लो आप लोग अपनी लाइफ में अगर 100% का आपका डायमेंशन है सीखने का, ठीक है ना, तो इट इज जनरली ब्रोकन इनटू 4 quarters, ठीक है ना. पहला क्वार्टर होता है मतलब फर्स्ट 25% आप अपने आप से सीखते हैं. कैसे सीखते हैं? अपने आप से, अपनी लाइफ में आप जो भी करोगे, ठीक है ना. सेकंड 25% इज टॉट बाय योर टीचर, जो भी गुरु मिलेंगे तुमको, ठीक है. 25% आप फैमिली और सराउंडिंग से पिक करते हो, क्लियर. और 25% टाइम सिखाता है, क्लियर. लाइफ में ये सर्कल होता है, इस सर्कल का सही होना बहुत जरूरी है. जैसे मान लो एग्जाम है, ठीक है, और अपने माता पिता ही बोल रहे हैं कि आज तो मूवी देखनी बहुत जरूरी है, और हम दोनों तो जा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे को बोला है कि तू तो पढ़, तेरा कल पेपर है, तो बच्चे का पेपर पढ़ने मन लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना. मैं बता रहा हूं आपको, फैमिली हैज टू कॉपरेट. 25% फैमिली का रोल होता है. जैसे मेरे को बोले कि इसमें ये फंक्शन में हम तो जा रहे हैं, चल तू पढ़ाई कर, तो मेरा दिमाग 2-3 बार तो जाएगा वहां क्या चल रहा होगा, ठीक है, क्लियर. टाइम, समय, ठीक है, समय भी बहुत कुछ सिखाता है. जब लास्ट के दिन आते हैं तो बच्चा तेजी से पढ़ना स्टार्ट करता है, शुरुआत में पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता. उसको भी मैनेज करना सीखो शुरुआत से, ठीक है. ये अभी से आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए. आज से डेडिकेशन कितनी होनी चाहिए? अभी से डेडिकेशन ये होनी चाहिए कि आप 6 घंटा घर पे पढ़ो, ठीक है. मिनिमम 4 मैक्सिमम 6. यहां पढ़ते हो शायद कितना, 6 घंटा घर पे, 6 घंटा पढ़ो, 12, 8 सोने के, 2 घंटा खाना खाने के, नहाने के, ठीक है ना, और बाकी क्या, 2 घंटे मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल 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 तरीका है लाइफ जीने का, ठीक है. और 25% तो मैं सिखा ही रहा हूं, मतलब अगर तुम्हारा लॉ का पेपर हो तो मेरे 40 में से 10 आ गए तो मेरा काम तो हो गया, ठीक है, क्लियर है ना. 40 मार्क्स का जो लॉ का पेपर होगा उसमें से अगर 10 आ गए तुम्हारे, 25% हो गया ना, तो मैंने तो गलती नहीं की, ठीक है. मैं ऐसा बोल दूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा नंबर आएंगे तुम्हारे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि खुद के आस्पेक्ट, 3/4 आस्पेक्ट जो आपके हाथ में है, वो आपको हमेशा अच्छे रखने पड़ेंगे, ठीक है ना. हम बहुत मेहनत कर सकते हैं आपके साथ में, लेकिन जो बाकी 3/4 है वो आपके इर्द गिर्द आपके हिसाब से चलता है, ठीक है ना. फैमिली, इसमें फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व है आपके, कई फ्रेंड्स होते हैं जो बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है ना, तो आप उनके साथ जब रहते हो तो आपका और मन करता है कि हम और पढ़े और अच्छा करें, या इसको पीछे छोड़ना है, या उसको ये करना है, या उसको ये करना है. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट गुड, ठीक है ना. फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, ये आपके साथ के लोग, या आप खुद, आपका समय. अब कोई फ्रेंड ऐसे बोल रहा है, अरे छोड़ना यार क्या पड़ेगा, चलना चलते हैं आज पार्टी करने चलते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना. तो ये जो 3/4 है ये आपके एंड पे सही होना चाहिए, ये जो 1/4 है ये मेरे एंड पे सही करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना, क्लियर. पर ये 3 आस्पेक्ट अगर आपकी सही है तो आप बोल सकते हो कि हाँ हमारे हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है. जिसकी ये 3 ठीक नहीं है वो इसके लिए नहीं बोल सकता कि इसने खराब कर दिया. मैं खराब आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं 25% कर सकता हूं, ठीक है ना, क्लियर, क्लियर. चलो, हम लोग कौन सा सवाल कर चुके थे? 91 कर लिया हम लोगों ने, हम 93 कर लेते हैं. एन एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट, एग्जाम्पल टू शेयर द अर्निंग्स ऑफ अ स्मगलिंग बिजनेसेस. Void. अगर यहाँ पे void और valid की जगह यहाँ पे लिखा होता void ab initio, कौन सा टिक लगाते? ab initio, ठीक है ना, शुरुआत से ही बर्बाद, ठीक है ना, शुरुआत से ही बर्बाद.
ठीक है ओके कौन सा सवाल कराऊं बस ठीक है हम आज के लिए इतने ही करेंगे सवाल सवाल हम लोगों ने 25 के आसपास करे 25-27 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली ठीक है ना और मुझे उम्मीद है आपको सारे ऑलमोस्ट आए ठीक है ना एक आध किसी को नहीं आया वो खुद के डाउट की वजह से नहीं आया ठीक है बाकी आ गए थैंक यू तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें आ गई आप चाहें तो क्वेश्चंस पे टिक लगा सकते हैं जो आपसे हो चुके हैं मैं नंबरिंग्स दे देता हूं फिर से हर पेज पे सो दैट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन और मार्क स्पेसिफिकली कर सकते हो अपने मार्कर से हाइलाइटर से कौन से वाला जो आपको एक एक या दो दो में कहीं पे प्रॉब्लम आई वो वाला क्लियर तो 1, 2, 3, 4, 6 टिक लगा लेना 1, 2, 3, 4, 6 पेज नंबर है 66 पेज नंबर है 66 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 ये हमने कर लिया है 10th हमने कर लिया है उसके नेक्स्ट पेज पे 19th और 22nd हम लोगों ने कर लिया है 25th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है 19, 23, 25, 31 भी कर लिया है 19, 23, 25 और 31 ये भी हमने कर लिया 23 ठीक है 25 कर लिया है 31 कर लिया हो गया 45, 46, 47 डन ठीक है 57, 59, 63 डन 57, 59, 63 डन ठीक है 67, 68, 69, 70, 71 पांच एक साथ हो गए ठीक है 84, 85, 86, 87 डन कर लिए आज हमने इतना करा आया मजा सिंपल है अभी तुमको लॉ में कॉन्फिडेंस आ रहा है दीज आर इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस ओनली मेरे तो नहीं है मैंने तो नहीं लिखे देखो मैं अगर खुद लिखता तो मैं चोरी कर सकता था आप लोगों के साथ ठीक है ना ये तो इंस्टीट्यूट के सवाल है इंस्टीट्यूट ने ही दिए उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लैरिटी